Hey, welcome back. I'm Sumir Bhushan, pain interventionist and founder president, Dr. Bhushan's Research Lab और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योग अध्यक्ष आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन. बहुत बहुत स्वागत है आप सबका. और आज फिर एक जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, मैं कहूंगा आज का वीडियो सबसे ज्यादा जबरदस्त इसलिए है क्योंकि ये उन तमाम लोगों के लिए है जो किसी ना किसी वजह से उनकी आंखों की नस जो है पीछे, जो ऑप्टिक नर्व है, वो सूख जाती है, जिसकी वजह से उनको दिखना बंद हो जाता है. बहुत से हजारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं. मैं ये तो नहीं जानता क्योंकि मेरा काम सिर्फ उन लोगों की मदद करना है जिनको अर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं. मेरा रिसर्च भी उसी में है, जिनको घुटनों में दर्द रहता है. रिसेंटली हमने एक मशीन भी तैयार की है जो घुटनों के ऑपरेशन से बचाने का काम करती है. वर्ल्ड की पहली मशीन है. तो मेरा तो जोड़ों के दर्दों से रिलेटेड काम है. मैं आई स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं मिस्टर कमल चिमनानी भावनगर से. उन्होंने मुझे एक फार्मूला दिया था कि अगर किसी की ऑप्टिक नर्व यानी आंख के पीछे की नस सूख जाए और उसकी वजह से दिखना बंद हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस फार्मूले से आदमी को दोबारा नजर आना शुरू हो जाएगा. क्योंकि वहां के एक टेलर मास्टर थे जिनकी आंख की नस सूख गई, उन्होंने उस फार्मूले का इस्तेमाल किया. 28-29 दिन के अंदर अंदर उनको 50% से ज्यादा नजर आना शुरू हो गया और उसके बाद वो ठीक हो गए. और जब उन्होंने मुझे बताया और मेरे नेटवर्क में आए लोगों ने मुझसे पूछा कि ये समस्या है, कोई ऐसी रेमेडी बता दीजिए, जब मैंने बताई तो उनको भी आराम आना शुरू हो गया. इसलिए आज मेरा मन बना कि एक वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूं सो दैट आपको भी. और मेरी दरख्वास्त ये है कि आपने इस वीडियो को शेयर जरूर करना है. ना जाने संसार में हजारों लाखों लोग हैं जिनकी ऑप्टिक नर्व सूख जाती है और दिखना बंद हो जाता है. कोई इलाज नहीं है, कोई सर्जरी से भी कुछ नहीं होता. जो चीज सूख ही गई उसका क्या करना है, वो हो ही नहीं पाएगा. लेकिन इससे वापस आ जाती है आंखों की रोशनी. इसलिए हो सकता है किसी की आंखों की रोशनी आपके इस वीडियो को शेयर करने से वापिस आ जाए. तो बुजुर्गों के लिए इवन यंगस्टर्स भी इसकी चपेट में आ जाते हैं. क्या करना है फटाफट से आपको बताता हूं, वीडियो लंबा नहीं करूंगा. आपने क्या करना है, एक तो ना देसी घी लेना है, देसी गाय का घी लेना है. देसी गाय आप समझिए जिस गाय के पीठ के ऊपर एक गुमड़ सा बना होता है उसको देसी गाय बोलते हैं. गौशाला में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, किसी से दूध ले आइए और दूध का घी बनाइए. घर में गृहिणियों को सब पता होता है घी कैसे निकालना है. अपने घर में निकालना है, बाहर से किसी का स्वामी जी और ये सब किसी का नहीं चलेगा. आपको अपना घी लेना है और अपना वो घी बना के 6 बूंद उसकी आप कैलकुलेशन करके, बेशक थोड़ा सा ज्यादा बना सकते हैं, 6 बूंद देसी घी की, गाय के देसी घी की, और 3 बूंद आपने उसमें डालनी है नारियल के तेल की. नारियल का तेल आप बाहर से किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं. नारियल का तेल 3 बूंद, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और रात को सोते समय उसको आपने नाभि में डाल लेना है, वही 4-5 बूंद. और वो आपने उसके अंदर डाल के कम से कम 5 से 10 मिनट आपने लेटे रहना है. और उसके बाद जो बच जाए उसको उसके बाद नाभि को आपने नाभि के आसपास लगा के और सो जाना है. सुबह नहाते हुए वो आपने नाभि जो है अच्छी तरह से साफ कर लेनी है. डेली का काम है ये. कम से कम आप जब 1 महीना करेंगे तो ये जिसकी भी ऑप्टिक नर्व सूख गई है, जिसको आंखों की रोशनी में तकलीफ आनी शुरू हो गई, वो दोबारा से वापस आनी शुरू हो जाएगी. बहुत अच्छा एक मैं आपको ऐसा फार्मूला दे रहा हूं और ये आप करके देखिए, डेफिनेटली आराम आएगा. और इसका टोटल क्रेडिट जो जाता है वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं मिस्टर कमल चिमनानी, उनको जाता है. और उसी की वजह से आज भी बहुत सारे लोग जिनको मैंने बताया वो भी ठीक हो गए. और आप अगर शेयर कर देंगे तो हो सकता है किसी और को भी आराम आ जाए. और बाकी मेरा काम तो सिर्फ जोड़ों के दर्दों से रिलेटेड है. अगर किसी को उसमें मदद चाहिए तो मैं हाजिर हूं. चाहे वो घुटनों में गैप आ गया है, ग्रीस खत्म हो गई है, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल है, कुछ भी ऑपरेशन से भी बचना है तो हमने एक मशीन डेवलप कर दी है. मतलब ऐसा काम कर दिया है. तो ये सब काम करते हैं. और इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.